इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे जैविक खाद कैसे बनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद इसका क्या उपयोग है ये अगले लेक्चर में होगा। अभी केवल हम आपको बताएंगे कि जैविक खाद को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखो, बात ये है कि गवर्नमेंट भी भारत की जो है वो भी 15 से 16 वर्ष से इसके लिए अधिक प्रोत्साहित कर रही है किसानों को कि आप अपने खेतों में जैविक खाद का ही यूज करें, ठीक। इससे क्या होगा, इससे जो हम लोगों के खेत की कैपेसिटी है फर्टिलाइजर के प्रति वो धीरे धीरे सही होगी, क्योंकि अब मार्केट में फर्टिलाइजर इतना महंगा करते जा रहे हैं और उसको नहीं डालेंगे तो फसल नहीं होती है। देखो, तो स्टार्टिंग में आप जैविक खाद का यूज करेंगे तो हो सकता है आपकी फसल में थोड़ा हानि हो, लेकिन धीरे धीरे 2-3 साल में आपकी खेत की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और आपकी खेत की कम क्षमता भी बढ़ जाएगी। और जो जो बीमारियां होती है ना, देखो केमिकल में बहुत से रसायन मिलाए जाते हैं जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर को भी नुकसान होता है, हमारे खेत को भी नुकसान होता है। लेकिन अगर हम जैविक खाद की तरफ बढ़ते रहेंगे तो इससे हमारे क्या होगा, एक तो हमारा खेत की कैपेसिटी अच्छी होगी, शरीर की हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है, और जो हम लोग जो फसल खाएंगे वो हमको नुकसान नहीं करेगी। इसको कैसे बनाते हैं ये सब हम आपको बता रहे हैं। अगर आपके पास 1 एकड़ का खेत है, ठीक है, 1 एकड़ में अलग अलग एरिया में अलग अलग कंडीशन होती है। कहीं पर 1.6 हेक्टेयर होता है, कहीं पर 2.4 हेक्टेयर होता है, ये अलग अलग होता है। लेकिन हमको जनरल लेके चलना है कि 1.6 हेक्टेयर के खेत में आपको 1 एकड़ मानना है, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे आप, 15 किलो गोबर, किसका गोबर लोगे ये इंपॉर्टेंट बात है। गोबर होना चाहिए देसी गौ माता का होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये गोबर देसी गौ माता का होना चाहिए, ठीक है, और देसी बैल का भी चल सकता है। लेकिन ये ना हो कि आप विदेशी या जर्सी गाय का गोबर लिए हो, ये नहीं चलेगा, ठीक है। जैविक खेती के लिए इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये गोबर होना चाहिए देसी गौ माता का और देसी बैल का, ठीक है। इसमें 15 लीटर आपको क्या मिलाना है, मूत्र मिलाना है। किसका मूत्र मिलाना है, उसी जानवर का जिसका ये गोबर है। फिर उसको दोनों को मिला के एक प्लास्टिक के ड्रम में रख देना है। किसमें रखना है, प्लास्टिक के ड्रम में। ये विधि है जिससे हमें जैविक खाद बनेगी। दो स्टेप हो गए, पहले हमने 15 kg गोबर लिया, किसका लिया, देसी गौ माता या देसी बैल का, विदेशी या जर्सी गाय का नहीं लेना, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 15 लीटर मूत्र उसी गाय का, उसी जानवर का जिसका ये गोबर है उसी का लेना है। फिर उसको एक प्लास्टिक के ड्रम में रख देना है, दो बात। तीसरी बात क्या होगी, इसमें 1 किलो गुड़, ऐसा गुड़ मिलाना है जिसको ना हम खा सकते हैं ना जानवर खा सकते हैं, ऐसा गुड़ उसमें मिला देना है। कितना, 1 kg, ठीक है। इसके बाद उसको उस डिब्बे में मिला के रोज हाथ से या फिर अपना डंडे से घुमाना है। कब तक, 15-20 दिन तक घुमाना है, ठीक है। इसमें 1 किलो गुड़ डाल के घुमाना, ये तो हमने आपको बता दिया। इसके बाद क्या है, 1 किलो गुड़ में 15 किलो गोमूत्र, 1 किलो सॉरी 15 किलो गोबर, ये तो हमने कंडीशन बताई। पहली कंडीशन क्या थी कि हमारे पास 15 किलो गोबर होना चाहिए, 15 किलो गौमूत्र होना चाहिए। उसके बाद तीसरी कंडीशन बताया था कि 1 kg गुड़ होना चाहिए, ऐसा गुड़ होना चाहिए जो कि क्या हो, खाया ना जाता हो, ना मनुष्य के द्वारा ना जानवर के द्वारा, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारे पास ये है कि हमको दाल का दाल लेनी है और उसका बेसन लेना है। अब दाल के लिए आपके पास अरहर की हो, उड़द की हो, मूंग की हो, कोई भी दाल हो, लेकिन 1 kg बेसन चाहिए। 3-4 कंडीशन होगी, पहला 15 kg गोबर, दूसरा उसी जानवर का गौ जो मूत्र है उसका चाहिए, और तीसरी बात 1 kg को गुड़ चाहिए जो कि खराब हो, और चौथी बात यह है कि उसमें 1 kg बेसन भी चाहिए, किसका, किसी भी दाल का हो, इम्पोर्टेंट बात, ठीक। अंत में क्या करना है, 1 किलो मिट्टी कहाँ से लानी है, पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे से उठाकर उसमें मिला देना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वस्तुओं को एक प्लास्टिक के ड्रम में मिलाना है, डंडे या हाथ से मिलाने के बाद उसको 15 दिन तक छांव में रखना है। 15 दिनों तक इसको सुबह शाम डंडे से घुमाते रहना है। 15 दिनों में खाद बनकर तैयार हो जाएगी। फिर क्या करोगे, जब खाद बनकर तैयार हो जाएगी तो लगभग 150 से 200 लीटर तक पानी मिलाकर उसमें मिला दिया जाएगा, ये घोल बन जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा, आप उसमें डालना चाहें डाल दें। अगर आपके पास खेत ज़्यादा है, 2 एकड़ है तो इसको डबल क्वांटिटी कर दो, 3 है तो ट्रिपल कर दो, और इसके बाद आधा है तो उसको आधा कर दो। ये सब हमको अप्लाई करना है। क्या क्या याद रखना है, इसके बाद पहले सबसे पहले हमारे पास 15 kg क्या होना चाहिए, गोबर होना चाहिए। किसका गोबर होना चाहिए, गोबर उसी गाय का होना चाहिए, देसी गाय होनी चाहिए या फिर देसी गाय या फिर बैल।
विदेशी का नहीं चलेगा। दूसरा 15 केजी 15 लीटर क्या होना चाहिए, लीटर हमारे पास मूत्र होना चाहिए, 15 लीटर मूत्र होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 1 केजी क्या होना चाहिए, गुड़ होना चाहिए जो ख़राब है, 1 केजी गुड़ होना चाहिए जो कि ख़राब है, और 1 केजी आटे का बेस सॉरी दाल का बेस बेसन होना चाहिए, और 1 केजी मिट्टी होनी चाहिए। ये सब अप्लाई करो, खाद बनाओ, यूज करो, ठीक है। आगे मिलते हैं इसके फ़ायदे बताने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।